दोस्तों अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम है और कोहरा देखिए कितना घना हो गया है। सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है मिंटू पल और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल द मिंटू पल व्लॉग। दोस्तों आज नया साल है, 1 जनवरी है आज 2023। तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। और ये जो नया साल है ये आपके लिए हर आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करने वाला हो, आपको हर खुशी मिले, आपको आपका जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों इस साल में, यही दुआ करता हूँ। और आप भी दुआओं में याद रखना। हाँ देख लो गाय ने भी बोल दिया है। गोबर के इन उपलों की सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अहमियत हो जाती है, क्योंकि गांव के लोग जो है वो चूल्हे पर खाना भी बनाते हैं और उस आग को पूरा परिवार जो सेकता भी है। तो ये एक किस्म के हीटर हैं, गांव के हीटर हैं जी। और मवेशियों के पास, जो जानवरों के पास भी लोग आग जला कर रखते हैं इन्हें, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है इन दिनों में तो इनका बहुत ही ज़्यादा जो सहारा हो जाता है, आसरा मिल जाता है इस चीज़ का। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਧਰ ਗਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਬਿੰਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਔਖਾ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੱਛ ਪੱਛ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇ ਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਆ ਜਾ ਦੇ ਪਾਦੀ ਦੇ ਖਾਲ पता नहीं हवा ज्यादा है ना, इन्ना भी धुप निकली अज यार, धुप निकली अज बहुत, चलो हैगा आ पर हवा फिर भी बहुत ठंडी चलती है। ये सरसों का खेत है। वैसे तो ऐसा नज़ारा जो है वो फरवरी में दिखाई देता है। ये पहले इस सरसों की बिजाई हो गई थी, इसी वजह से ये सरसों पहले हो गई है। और ये पीले पीले जो फूल हैं इनमें सरसों भर जाएगी और उस सरसों से तेल निकाला जाता है और उसे फिर रसोई में यूज़ किया जाता है। गांव में तो लोग सर को भी यही तेल लगाते हैं सरसों का, और इसे देसी तेल भी बोलते हैं। सरसों की जो बिजाई है वो हम लोगों ने कम कर दी है। वैसे तो होना चाहिए कि जंगी पदर पर हमें सरसों की बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि तेल और दूध ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं रुकती ही नहीं है, लोग आपके पास से आकर ले जाते हैं इसे। तो आज जो मार्केट में आ रहा है दरअसल वो सरसों के नाम पर तेल बेचा ही जा रहा है, दरअसल वो सरसों का तेल है ही नहीं है जिसे हम रसोई में खाते हैं। तो खैर चल रहा है सारा, तो मिलावटी खाने हम लोग खा रहे हैं शौक से। तो खैर ये देखिए काफ़ी तोते आ गए हैं आज फिर, और वो देखो ऊपर जी अमरूद खाने के लिए आते हैं। ये देखिए
ऐसे खाते हैं अमरूद तोते। ये अपना साग सब्जी जो है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया, वो गाजरें हैं और ये जो चारा है भैंस के लिए ये भी काटना शुरू कर दिया है। इधर देखिए और वो देखिए कोहरा पड़ना शुरू हो गया, अभी 4:30 हुए हैं शाम के। और ये देखिए ये कैसे ना झुक गया है नीचे, बहुत ही ज़्यादा जो फल लगा है फल की वजह से ये नीचे झुक गया है, टूट ना गया हो यार, टूटा नहीं है। वो बीच एक लकड़ी खड़ी की थी वो टूट गई है। दरअसल ये गलगल है दोस्तों अचार के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ये भर गया। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो ठंड बढ़ गई है इन दिनों में, तो इन दिनों में ख़ास तौर पर हम सिख लोग जो हैं वो काफ़ी उदास होते हैं, क्योंकि इन दिनों में ही वो दिन चल रहे हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और अपने परिवार को साथ लेकर आनंदपुर के किला से निकले थे, और कुछ ही दिनों में जो बड़े साहबजादे थे उनके उनको शहीद किया गया मुग़लों के ओर से, और उनके उसके बाद जो छोटे साहबजादे थे और अपनी दादी माँ के साथ माता गुजरी जी के साथ जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता थी उनके साथ ठंडे बुर्ज में उनको रखा गया, तसीहे दिए गए और जिंदा दीवारों में चिनवाया गया और माता गुजरी को भी शहीद किया गया। ये वो दिन है दोस्तों, उदास करने वाले दिन है। दोस्तों अभी शाम के 5:30 का टाइम है और कोहरा देखिए कितना घना हो गया है, और सफ़र तो अवॉइड ही करें तो अच्छा है लोग, क्योंकि जो रोडों पर बहुत सारे जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं जाने जाती हैं, तो अवॉइड ही करें सफ़र को, ख़ास करके शाम को और रात का जो सफ़र है वो अवॉइड ही करें तो अच्छा है आज के दिनों में, क्योंकि एक दो हफ्ते ऐसा ही रहेगा जी हाल। तो ये देखिए कितना घना जो कोहरा बढ़ता ही जा रहा है अभी।